आज की हमारी कहानी एक टैक्सी ड्राइवर के साथ घटी बेहद खौफनाक घटना है। उस रोज़ रमेश अपनी टैक्सी को लेकर स्टैंड पर खड़ा था, तभी जो था बस से एक औरत उतरी जिसके पास दो बड़े बड़े सूटकेस थे। उसे उन सूटकेस को उठाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी रमेश को लगा कि उसे उस औरत की मदद कर देनी चाहिए। इसी बात को सोचते हुए जो था वो उस बस से उतरने वाली औरत के पास पहुंचा और कहता है, लाइए मैडम, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, कहिए कहाँ जाना है। उस औरत ने एक पर्ची दी। उस पर्ची को देख रमेश ने कहा, इसमें क्या लिखा है। तो इस पर उस औरत ने कहा, पर्ची को खोलो, खुद पता चल जाएगा। तो जैसे ही उसने उस पर्ची को खोल कर देखा तो उसने देखा कि उस पर एक पता लिखा हुआ था। वो हैरान हो गया क्योंकि ये जो पता था ये किसी और जगह का नहीं बल्कि एक वीरान बस्ती का पता था। तो उसने उस औरत से कहा, मैडम इस जगह पर तो कोई नहीं रहता है, फिर आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं। तो इस पर उस औरत ने कहा, मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो। तो इस पर रमेश ने कहा, क्यों नहीं मैडम, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके बाद जो था उसने उस औरत के जो सूटकेस थे वो उठाकर रख दिए टैक्सी में और वो औरत भी जो थी टैक्सी के अंदर बैठ गई। अब यहाँ से रमेश जो था अपनी टैक्सी स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ा और फिर उसके बाद जो था वो टैक्सी में जो आगे का शीशा था उसमें से वो उस औरत की ओर देखे जा रहा था। तो इस पर उस औरत ने कहा, मेरी ओर नहीं, रास्ते पर ध्यान दो, कहीं पछताना ना पड़ जाए। तो एकदम से जो था रमेश ने अपनी नज़रें हटा ली और वो सामने की ओर देखने लगा। दरअसल में रमेश को उस औरत का चेहरा बड़ा अजीबोगरीब सा महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एकदम मातम नुमा एहसास थे, मुस्कान कहीं गायब थी। मन ही मन जो था रमेश उस औरत के बारे में सोच रहा था कि ये औरत जो है इतने बड़े बड़े सूटकेस लेकर अकेले उस वीरान बस्ती में जा रही है, आखिर क्या बात हो सकती है, इसकी क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जो ये उस जगह जा रही है। क्योंकि रमेश ने कई बार उस जगह के बारे में कुछ अजीब और गरीब बातें भी सुनी थी कि वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद जो था वो लोग उस जगह पहुँच गए। तो ये जो जगह थी ये एक बहुत पुरानी कॉलोनी थी जिसका एक बहुत बड़ा गेट था। वो गेट जो था उस पर एक ताला लगा था। उस औरत ने रमेश की ओर देखते हुए कहा, मैं अभी ये जो 2 सूटकेस हैं यहाँ पर किसी को पहुँचाने हैं, क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर मेरा इंतज़ार करोगे, मुझे वापस जाना है। तो इस पर रमेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप जाइए, आप देकर आइए, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूँगा, ध्यान रखिएगा। तो इस पर उस औरत ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर इस सामान को देकर आती हूँ। तो इसके बाद जो था रमेश ने कहा, लेकिन इस यहाँ तो ताला लगा है तो आप अंदर कैसे जाएंगी। तो उस औरत ने कहा, इसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पास चाबी है। तो उस औरत ने जो था अपने पर्स से चाबी निकाली और वो जो जगह थी वहाँ पर ताला खोलकर अपने दोनों सूटकेस लेकर चली गई। तो रमेश यहाँ पर इंतज़ार करने लगा उस औरत का कि कब वापस आए। काफ़ी देर होने पर जो था रमेश का दिमाग घूमने लगा कि पता नहीं ये औरत कहाँ रह गई है और उसने अभी तक किराया भी नहीं दिया था। रमेश पहले ही परेशान था उस जगह को देखकर, वो वीरान बस्ती बड़ी ही अजीब और डरावनी थी। तो यहाँ पर जब काफ़ी देर होने पर जब वो औरत नहीं आई तो रमेश को लगा कि उसे खुद ही जो है जाकर अंदर देखना चाहिए। तो वो जब अंदर पहुँचा तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, हर जगह एकदम जाले वगैरह लगे पड़े थे, ऐसा लगता था उस जगह कोई ना फटका हो सदियों से। वो जगह एक प्राइवेट कॉलोनी थी जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी। तो यहाँ पर जो रमेश था उस औरत को तलाशने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस ओर गई है। वो चारों ओर उसको आवाज़ देकर जैसे ही बुलाता है तो अचानक से उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। वो घबरा कर मुड़ा तो देखा कि पीछे तो कोई भी नहीं है। वो चारों ओर देखने लगा फिर से, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कहाँ चली गई है और उसे ये वहम कैसा हुआ
जैसे किसी ने उसके कांधे पर पीछे से हाथ रखा हो। इतना सब कुछ हुआ ही था कि तभी रमेश देखता है कि वो जो औरत है सामने की ओर एक बिल्डिंग है उसकी ओर जा रही थी अपने दोनों हाथों में सूटकेस पकड़कर। तो ये रमेश जो था बिना आवाज़ लगाए जो था उसकी ओर चल दिया, और चलते चलते जैसे ही वो उस बिल्डिंग तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो औरत है वो लिफ्ट में चढ़ चुकी है और ऊपर तीसरे माले पर जा रही थी। तो यहाँ पर जो रमेश था वो भी जो था सीढ़ियों से जो था तीसरे माले तक पहुंचता है। वो जब तीसरे माले तक पहुंचा तो तभी उसने देखा कि वो जो औरत है लिफ्ट से निकलकर सामने घर के अंदर पहुंचती है। तो ये जो रमेश था ये भी जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो इसने देखा कि उस मकान के अंदर जो था एक आदमी खड़ा था, और वो जो आदमी था अचानक से उस औरत को देखकर गोली मार देता है। ये सब देखकर रमेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक चुकी थी, वो घबरा गया। और जैसे ही घबराहट में उस जगह से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जो औरत है और वो जो आदमी है दोनों उसके सामने खड़े थे जिंदा ठीक ठाक। उसे समझ नहीं आया कि भाई ये सब क्या है, वो घबराने लगा। तभी अचानक से ही वो दोनों कहीं गायब हो गए, हवा हो गए। तो यहाँ पर जो रमेश था उसे इतना समझ आ चुका था कि ये जो जगह है ये खतरे से खाली नहीं है और उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। अब किराए का कोई फ़ायदा नहीं, जान बचनी चाहिए। इसके बाद जो था रमेश तुरंत ही उस कॉलोनी से बाहर निकल आया। तो तभी जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जो औरत है वो वहीं सोसाइटी के अंदर खड़ी थी उस कॉलोनी के अंदर। वो घबरा गया क्योंकि उस औरत के चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। वो अपनी टैक्सी में बैठा और उस रोज़ अपनी जान बचाकर वहाँ से चला गया।